नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में और मैं हूं आनंद कुमार। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एक सीरीज़ चला रहे थे और इस सीरीज़ में हम जानने का प्रयास कर रहे थे या फिर डिस्कस कर रहे थे कि कैसे CGPSC स्टेट सर्विसेज एग्ज़ाम को क्रैक किया जा सकता है। और इस सीरीज़ के पहले वीडियो में हमने कुछ बेसिक्स जाना था, इस एग्ज़ामिनेशन का क्वालिफिकेशन क्या होता है, एलिजिबिलिटी किस प्रकार से है और कुछ बेसिक्स भी हमने जाना था इस एग्ज़ाम के बारे में। सेकेंड वीडियो में हमने जाना इसके सिलेबस के बारे में, सिलेबस क्या कहता है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, किस प्रकार से सब्जेक्ट हैं, इसका जो पैटर्न पूरा है कितने कितने नंबर्स में डिवाइड है या फिर कौन से पार्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इस सभी मुद्दों पर हमने बात किया था पिछले लेक्चर्स में। इसके अलावा पिछले लेक्चर में हमने ये भी जाना था कि प्रीलिम्स के बजाय मेंस से शुरुआत क्यों करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए, इस बात पर भी हमने फोकस किया था। और उसी लेक्चर में मैंने बोला था कि सिलेबस के आधार पे जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग पार्ट हैं हर एक पेपर के, कौन से सोर्स को यूज़ करना चाहिए, कौन से बुक का इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, इस पर आज के इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे। हर एक पेपर वाइज मैं आपको बताऊंगा कि कौन से पेपर के लिए, कौन से पार्ट के लिए आपको कौन सा बुक प्रेफर करना चाहिए और जितने भी सोर्सेज बताऊँगा सारे सोर्सेज ऑथेंटिक होंगे। इस आधार पे ही आज हम शुरू करने वाले हैं। इससे पहले कुछ जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग को देना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात देखिए, मार्केट में हर एक सब्जेक्ट का बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल हैं, बहुत सारे पब्लिकेशंस की बुक अवेलेबल हैं, अलग अलग कैटेगरी वाइज अवेलेबल है। एक ही बुक पॉलिटिकल ले लो तो 4-5 बुक अवेलेबल है, इकोनॉमिक्स का ले लो तो 4-5 बुक अवेलेबल है, लेकिन आपको हर एक किताब को उठाकर पढ़ना नहीं है। ये बात तो आप भी जानते हो, बहुत सिंपल सी बात है। कभी भी अगर किसी एग्जाम को क्रैक करना है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, सिलेबस को समझो और उस सिलेबस के आधार पर एक ऑथेंटिक बुक उठाओ उस सब्जेक्ट का और उसको पकड़कर, उसको समझकर, उसी को बेहतर तरीके से बार बार रिवाइज करके पढ़ो, इसके बजाय कि आप 10 किताब इकट्ठा करके आप 10 को एक एक बार पढ़ो, ऐसा नहीं होता। अगर एग्जाम क्रैक करना है तो एक ऑथेंटिक बुक उठाओ, अगर आपका सिलेबस उस ऑथेंटिक बुक से कवर नहीं होता है तब आप दूसरे सोर्स की तरफ जा सकते हो, लेकिन अगर कवर होता है तो सिर्फ आप एक सोर्स पढ़ोगे। ये स्मार्ट स्टडी का तरीका होता है कि आप बंद कर एक रास्ते पर चलें और जो आपका गोल है वहां पहुंचे, इसमें ज्यादा आसानी होगा। तो जितने भी सोर्सेज बताऊंगा, बहुत लिमिटेड सोर्स बताऊंगा, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आप बेहतर तरीके से आप अपने मंजिल तक पहुंच सकते हो बिना किसी रुकावट के और बिना किसी परेशानी के, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं जाने वाला हूं। अगर हिस्ट्री पढ़ना है तो आप एक सोर्स से पढ़ो, 10 तरह का सोर्स यूज करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो हर एक चीज पे आज फोकस करेंगे, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरे पॉइंट पे आपके मन में एक सवाल जरूर आएगा कि क्या NCERT पढ़े या नहीं। हम बात कर रहे हैं किसकी, CGPSC SSE यानी कि स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन की। इसके लिए क्या NCERT पढ़े या नहीं, तो अगर आप अभी, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, आप अंडर ग्रेजुएशन में हैं अभी, तो आपके लिए यहाँ पर सजेशन है कि आप NCERT पढ़ सकते हो, अपना बेसिक को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। लेकिन अगर आपका ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट हो चुका है, अब आप तैयारी करना चाहते हो, तो मैं बोलूँगा कि आप NCERT को छोड़कर CGPSC के सिलेबस के अकॉर्डिंग NCERT को छोड़े और सीधा ऑथेंटिक बुक पे आए, वहाँ से तैयारी शुरू कर सकते हैं। लेकिन अभी अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं बोलूंगा कि आप NCERT को बिल्कुल पढ़ो, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा आगे चलकर। और NCERT कौन से क्लास तक पढ़ना है, तो आप NCERT 9 to 12 पढ़ सकते हो, जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग NCERT 9 to 12 में आपका कवर हो जाएगा। ठीक, तो NCERT आपको पता चल गया कि आपको कौन स्टेज पे पढ़ना है, कौन से स्टेज पे नहीं पढ़ना है। NCERT वैसे बुक्स बहुत अच्छी होती हैं, ऑथेंटिक होता है, UPSC का प्रिपरेशन करने वाले NCERT को जरूर पढ़ते हैं, और अगर आप भी UPSC का प्रिपरेशन कर रहे हो या करना चाहते हो तो आप NCERT जरूर पढ़ें। लेकिन CGPSC के लिए अगर अभी आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है, तो बिल्कुल NCERT पढ़ सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद आपके पास अब टाइम नहीं है, आप जल्दी से आप एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, तो NCERT को स्किप कर सकते हो। ठीक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं पढ़ना है, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। ठीक, चलिए
बढ़ते हैं, एक एक पेपर वाइज यहाँ पर मैं डिस्कस करते चलूंगा, लेकिन उससे पहले आप सिलेबस को प्रिंट आउट निकालकर अपने पास रख लें शुरू करने से पहले, ताकि जैसे जैसे मैं सोर्सेज बताते चलूँ, रिसोर्सेज बताते चलूँ, आप वहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग उस चीज़ों को देखते चलें, ताकि आपके माइंड में जो है सिलेबस भी एक हिसाब से सेट हो जाए, आपको पता चल जाए कि सिलेबस कैसा है, समझने में आसानी होगा। इसीलिए सिलेबस और हो सके तो एक पेज या दो पेज या नोट्स जो जिसमें भी आप बनाते हो साथ में लेकर रखें और उसे नोट करते चलें और सिलेबस को टिक करते चलें। चलिए इसके बाद हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं पेपर नंबर वन में। पेपर नंबर वन में हमें क्या पढ़ना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस पे बात करते हैं। पेपर नंबर वन, जैसे आपको पता है कि आपका लैंग्वेज का पेपर है और लैंग्वेज में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो हिंदी, छत्तीसगढ़ी और इंग्लिश, जनरल इंग्लिश। तो सबसे पहले अगर हम हिंदी की बात करें, हिंदी में क्या पढ़ना चाहिए, तो ये है छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग की किताब हिंदी लैंग्वेज। इसका नाम है हिंदी का संपूर्ण व्याकरण। आपका यहाँ से पूरा कंप्लीट हिंदी लैंग्वेज कवर हो सकता है अगर आप इसे बेहतर तरीके से पढ़ लें तो। ठीक है, छत्तीसगढ़ी भाषा की अगर हम बात करें, दोनों किताबों की विशेषताएं भी मैं आपको बताऊंगा। छत्तीसगढ़ी भाषा की बात करें तो छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग की ये किताब है छत्तीसगढ़ का संपूर्ण व्याकरण। तो दो पार्ट आपका कवर ये दो किताब से हो सकता है। ऑथेंटिक रिसोर्स चाहिए तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर 2-3 साल का उठा लो, सारे क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से मिल जाएगा। बृहद एक्सप्लेनेशन है इसमें, हर एक सिलेबस के आधार पे आपको बेहतर कॉन्सेप्ट इसमें मिलेगा इन दोनों ही किताबों में। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की किताब है तो आप इसे बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो। और अगर देखो दोनों ही किताबें क्या है, यहाँ पर लगभग 400 पेजें की, 384 पेज और ये लगभग 400 कुछ पेजेस की जो है वो बुक है। बेहतर तरीके से अगर आपके पास टाइम है तो इससे आप प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको ये किताबें नहीं पढ़नी है तो क्या पढ़ सकते हो, तो जो CGBSE की किताबें आती हैं, छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की जो किताबें आती हैं 9th और 10th की, वो भी पढ़ सकते हो। लेकिन छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज के लिए आपको आखिरकार ये किताब उठाना ही पड़ेगा। और अगर आप इसको मेंस के हिसाब से बेहतर तरीके से पढ़ना है तो आप कंपटीशन कम्युनिटी की यानी कि फर्स्ट मैन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड पब्लिकेशन की किताबें भी उठा सकते हो, जो कि आपको वेबसाइट से मिलेगा। तो कोई भी एक रिसोर्स उठाओ, लेकिन एक उठाना, या तो इसे पढ़ लो या तो कंपटीशन कम्युनिटी की किताबें पढ़ लो। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे, जो भी बता रहा हूँ ऑथेंटिक रिसोर्स बता रहा हूँ। तो पेपर नंबर वन के लिए जो लैंग्वेजेस हैं, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज के लिए आप ये किताब पढ़ सकते हैं। जनरल इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो या तो आप NCERT का 9th-10th पढ़ लें, या तो जो CGBSE का 9th-10th का इंग्लिश का आता है उसे पढ़ लें, या आप किसी भी पब्लिकेशन की एक जनरल इंग्लिश की किताब उठा लें। सिर्फ एक उठाना, वहां से आपका कवर हो जाएगा। 2-3 पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो उठाओ, एक रिसोर्स उठाओ, उसी को बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करो। समय मिले तो बेहतर तरीके से रिवीजन करो, लेकिन एक उठाना। अगर लैंग्वेज का भी उठा रहे हो तो एक उठाना, ऑथेंटिक उठा लो या फिर किसी अदर जो छत्तीसगढ़ के पब्लिकेशन की किताबें हैं वो उठा लो। कंपटीशन कम्युनिटी का भी वेबसाइट पे सारे मेंस के पेपर के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से सारे अपडेटेड हैं, तो चाहे तो आप उसे पढ़ लो, लेकिन एक पढ़िएगा। ठीक, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर एक चीज़ को बेहतर तरीके से पढ़ा जाता है तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें पेपर नंबर 2 की। पेपर नंबर 2 में क्या है, आपका एसे है। तो एसे के लिए हमने कई बार डिस्कस किया है, पूरे साल भर के जितने भी बड़े बड़े मुद्दे हैं उसे इकट्ठा कीजिए, या फिर साल भर अगर आप अपडेटेड रहते हो तो ज़्यादा बेहतर है। हर एक बड़े इशूज पे, चाहे वो नेशनल लेवल का इशूज हो, इंटरनेशनल लेवल का इशूज हो, छत्तीसगढ़ का इशूज हो, उसे कलेक्ट करो, उससे बेहतर आपका कुछ नहीं हो सकता। बस आपको ये सीखना है कि ऐसे कैसे लिखा जाता है। हमने कई बार डिस्कस किया कि कैसे आप बेहतर एक ऐसे राइटिंग कर सकते हो, कैसे उसका फ्रेमिंग किया जा सकता है, वैल्यू एडिशन कैसे किया जा सकता है, इस पर हमने बहुत पहले बात भी किया है और आगे आने वाले समय में फिर से कर लेंगे। तो ऐसे के लिए आपको पूरे साल भर के करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, जो हाइलाइट्स में हैं, उसे आपको तैयार करना होगा। ठीक, चलिए, इसके लिए कोई भी ऑथेंटिक रिसोर्स अलग से है नहीं और ना ही उठाने की जरूरत है, अगर है भी तो। ठीक, पेपर नंबर 3 में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो पेपर नंबर 3, अच्छा स्कोर कर सकते हो जब आप बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हो, और बेहतर तरीके से तैयार आप तभी कर सकते हो जब एक ऑथेंटिक रिसोर्स उठाओ और उसी को पकड़कर आप मंजिल की तरफ चलो, तो आप बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हो, स्कोर अच्छा कर सकते हो। पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 में स्कोर करना बाकी पेपर के कंपैरिजन में थोड़ा सा इजी होता है, क्योंकि उसमें आपको डायरेक्टली पता है क्या करना है। अगर आप बेहतर तरीके से ऐसे लिखना जानते हो, वैल्यू एडिशन करना जानते हो, फ्रेमिंग करना जानते हो, तो आप ऐसे में भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक, पेपर नंबर 3
थोड़ा सा विस्तृत है, इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो अगर मैं सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री है पार्ट वन में, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँगा किसका, पॉलिटी का, यानी कि पेपर नंबर टू का। पेपर नंबर टू में आपका पॉलिटी है, इसके अलावा आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ना है और उसमें पार्लियामेंट के बारे में भी जानना है। पार्लियामेंट पॉलिटी में यही आ जाएगा। तो अगर आपको पार्लियामेंट के लिए अलग से पढ़ना है तो ये इंग्लिश में आती है सुभाष कश्यप की बुक आवर पार्लियामेंट, आप इसे पढ़ लें। हिंदी में भी आती है हमारी संसद, सुभाष कश्यप का ही है, तो पार्लियामेंट के लिए आप इसका यूज़ कर लें, एकदम सफिशियंट होगा, इससे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पॉलिटी की बात करें तो इसे आप बाइबल कह लें, इसे आप कुरान कह लें या इसे आप गीता कह लें, ये पॉलिटी का रही है। यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और इस किताब की जो खास बात है ना, इसमें जितनी भी चीज़ें दी हुई हैं इतने सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। जब आप शुरू में पढ़ने बैठोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आपको आपने कभी पढ़ा नहीं है या बेहतर तरीके से समझ नहीं आ रहा। अगर आप इंटरेस्ट लेकर पढ़ोगे तो बहुत अच्छी किताब है, बहुत सिंपल लैंग्वेजेस में है। ये शायद मेरे हिसाब से लेटेस्ट एडिशन होना चाहिए, या फिर आप देख सकते हो, और जो भी किताब परचेस करने जाओ मार्केट से जो लेटेस्ट एडिशन की किताब है वही उठाओ। दोनों लैंग्वेजेस में आते हैं, हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है, और इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता पॉलिटी के लिए। और पार्लियामेंट के लिए मैंने आपको बता दिया, सुभाष कश्यप की किताब पढ़ लीजिएगा, और कॉन्स्टिट्यूशन भी इससे बाहर नहीं आ सकता, और जो पब एड वाला पार्ट है वो भी इससे बाहर नहीं आ सकता। और थोड़ा बहुत अगर छत्तीसगढ़ पब्लिकेशन के बारे में, छत्तीसगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन या फिर छत्तीसगढ़ पॉलिटी कह लें, उससे रिलेटेड अगर आपको पढ़ना है तो वो थोड़ा बहुत चीज़ें जो है आपको बृहद संदर्भ में मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ हिंदी ग्रंथ अकेडमी की जो बुक है या फिर कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के पब्लिकेशन की जो किताब है, वेबसाइट पर PDF अवेलेबल है, वहाँ से भी आप छत्तीसगढ़ पॉलिटी कवर कर सकते हो। तो इतनी चीज़ों को आपको पॉलिटी में पढ़ना है, सिर्फ एक उठाइएगा, या तो ये तो उठाना ही है पॉलिटी के लिए, सुभाष कश्यप भी उठा लीजिएगा, बेहतर तैयारी हो जाएगा, कुछ भी नहीं छूटेगा, ठीक। तो इसमें से कोई आप एक पॉलिटी के लिए पढ़ सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं पार्ट वन क्या, इंडियन हिस्ट्री की। तो लक्ष्मीकांत की तरह ही, एम लक्ष्मीकांत की तरह ही पॉलिटी के लिए ये विपिन चंद्रा की किताब, इसे आप बाइबल कह लें, कुरान कह लें या गीता कह लें, बहुत अच्छी किताब है, इससे बाहर क्वेश्चंस आते ही नहीं है। ये एक या फिर मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ लो, ये दोनों में से किसी एक को उठाना है, दोनों नहीं उठाना है, एक को उठाना है और बेहतर तरीके से पढ़ना और बेहतर तरीके से रिवीजन करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है खुद से, अपने लैंग्वेजेस में बनाना है ताकि आप बेहतर रिवीजन कर सको बाद में। तो दोनों में से किसी एक को उठा लीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए अगर आप मिडाइवल हिस्ट्री को पढ़ना चाहते हो तो सतीश चंद्र की किताब बहुत अच्छी है, ये ओरिएंटल ब्लैक स्कॉन की पब्लिकेशन की किताब है, और ये भी ओरिएंटल ब्लैक स्कॉन पब्लिकेशन की किताब है, सतीश चंद्रा मिडाइवल हिस्ट्री, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए इसे पढ़ें, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आते और इससे बाहर आपको जाने की ज़रूरत भी नहीं है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में है। जब ये मॉडर्न हिस्ट्री चाहे विपिन चंद्रा पढ़ो या इसको पढ़ो, जब भी आप पढ़ोगे तो लगेगा आप नॉवेल पढ़ रहे हो, आपको बहुत मज़ा आएगा इन किताबों को पढ़ने में, बहुत अच्छी किताब है। तो मिडाइवल हिस्ट्री के लिए आप इसे पढ़ें। अगर आप हिंदी मीडियम ही स्टूडेंट्स हैं, ये हालांकि दोनों जो है विपिन चंद्रा भी, मिडाइवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्र भी, इंग्लिश में भी आता है, तो इंग्लिश मीडियम एस्पिरेंट्स भी चाहें तो इन किताबों को पढ़ सकते हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम एस्पिरेंट्स के लिए एक अच्छी किताब आगे मैं बताने वाला हूं, उसे भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन कोई एक उठाइएगा, चाहे ये उठाइए चाहे वो उठाइए, ठीक। रामशरण शर्मा ओरिएंटल ब्लैक स्वान की ही एक पब्लिकेशन की किताब आती है, एनिसेंट हिस्ट्री के लिए सिर्फ ये पढ़ना, अगर आप हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हो तो इससे बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं है, ठीक। रामशरण शर्मा की किताब है प्रारंभिक भारत का परिचय, मेरे पास हिंदी में अवेलेबल है, इंग्लिश में भी आता है, तो आप इसे पढ़िए, ठीक। लेकिन आप हिंदी मीडियम के लिए जितनी रिसोर्सेस मैंने बताया उसे पढ़ो, लेकिन अगर आप इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट्स हो तो ये सतीश चंद्र की किताब और रामशरण शर्मा की किताब इसे आप स्किप कर सकते हो, और इसकी जगह पे आप क्या पढ़ सकते हो, पूनम दलाल दहिया की किताब पढ़ सकते हो, मैक्रो हिल एजुकेशन पब्लिकेशन की किताब है, बहुत अच्छी किताब है और क्वेश्चंस भी यहाँ से बहुत आते हैं, हालांकि क्वेश्चन सारे इसी में से आते हैं, लेकिन आप अगर सतीश चंद्र और रामशरण शर्मा की किताब नहीं पढ़ना चाहते हो तो ये पूनम दहिया की किताब पढ़ लें, मैक्रो हिल पब्लिकेशन की, इंग्लिश मीडियम एस्पिरेंट्स के लिए ये एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है,
हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के लिए उतना ही पढ़ो, और इंग्लिश मीडियम एस्पिरेंट्स के लिए एक अदर विकल्प है पूनम दहिया की किताब, तो चाहें तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। तो पार्ट वन हो गया पेपर नंबर थ्री का, पार्ट टू भी हो गया। अब पार्ट थ्री हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ का इतिहास। तो छत्तीसगढ़ के इतिहास के लिए जो किताब आपको पढ़ना है, छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकेडमी की किताब है, बहुत अच्छी किताब है। और खासकर मॉडर्न हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस आते हैं, मैक्सिमम तो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस रहते हैं, इससे बाहर आते ही नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकेडमी की यह बुक है, छत्तीसगढ़ का इतिहास, लेखक है डॉक्टर राम कुमार बिहार। ये किताब आप पढ़ ही लें, और साथ में अगर इसके साथ में कुछ और पढ़ना चाहते हो तो ये छत्तीसगढ़ समग्र की किताब से भी आप हिस्ट्री उठा सकते हो, ठीक है। तो हिस्ट्री के लिए खासकर ये पढ़िएगा, मॉडर्न हिस्ट्री पे बहुत फोकस किया गया है, तो इसे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बिल्कुल पढ़ना। हालांकि मिडाइवल और एनिसेंट भी है, लेकिन मिडाइवल और एनिसेंट थोड़ा बहुत आप यहां से भी कवर कर सकते हो। छत्तीसगढ़ समग्र, देखिए छत्तीसगढ़ सब्जेक्ट ऐसा है ना कि आप एक रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, ऑथेंटिक रिसोर्सेज उठाइए, लेकिन मल्टीपल रिसोर्सेज आपको उठाना पड़ेगा छत्तीसगढ़ में। और जो आपका नॉर्मल जीएस है, इंडिया जीएस है, उसमें आपको एक रिसोर्सेज के साथ में काम चल सकता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए आपको इधर उधर घूमना पड़ेगा। मैक्सिमम 80-90% आपका यहां से कवर हो जाएगा, 100% भी बोल सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत आप इसको साथ में लेकर चलिए। हिंदी समग्र, ये आगे भी किताब काम आने वाली है, आगे मैं इस पर जरूर डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं पेपर नंबर फोर। पेपर नंबर फोर का पार्ट वन, आप इसे जीएस टू भी कह सकते हो, जनरल स्टडीज टू। पार्ट वन में है आपका जनरल साइंस। जनरल साइंस के लिए पेपर नंबर फोर में आपको क्या करना है, पेपर नंबर फोर में आपका जो पहला पार्ट है जनरल साइंस का, ये आप एनसीईआरटी की किताब उठा लें। एनसीईआरटी की कौन सी क्लास की किताब, जो नाइन्थ की आती है और टेंथ की किताब आती है जनरल साइंस की, आप इसे उठा लें, आपका पार्ट वन यहां से कवर हो जाएगा। या फिर सीजी बीएससी की किताब उठा लें, कौन से क्लास की, नाइन्थ और टेंथ, यहां से आपका जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कवर हो जाएगा। जो सीबीएसई से पढ़े हुए एनसीईआरटी की किताब उठा लें, और जो स्टेट बोर्ड से पढ़े हुए हैं वो आप सीजीबीएसई की किताब उठा लो, यहां से आपका जनरल साइंस कवर हो जाएगा, बेहतर तरीका है, ऑथेंटिक बता रहा हूं। यहां पर एक मेरे पास सैंपल भी है, मैं दिखा सकता हूं आपको, ये है, एक ही है मेरे पास अभी फिलहाल, तो हालत खराब हो चुकी है। नाइन्थ क्लास की बुक है साइंस की, ये है आपका एनसीईआरटी की किताब, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी की किताब उठा लें, अगर आप एनसीईआरटी हिंदी में भी आता है, अगर आप ये सीजीबीएससी ना पढ़ के एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो यहां से पढ़ सकते हो। नाइन्थ और टेंथ की बुक उठा लें, या सीजीबीएससी का उठा लो या एनसीईआरटी का पढ़ लो, दोनों से आपका जनरल साइंस जो है वो कवर हो जाएगा। यहां से फिजिक्स भी कवर हो जाएगा, केमिस्ट्री भी कवर हो जाएगा, बायोलॉजी भी आपका कवर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में अगर हम मैथ्स की बात करें, मैथमेटिक्स है उसमें, आपको पार्ट टू में मिलेगा, 50 नंबर का आता है, तो इसके लिए भी आप एनसीईआरटी 9th, 10th की किताब पढ़ ले, या तो फिर सीजीबीएसई 9th, 10th पढ़ ले, दोनों में से एक पढ़ो, दोनों पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एनसीईआरटी बेहतर समझ आता है एनसीईआरटी पढ़ ले, सीजीबीएसई बेहतर समझ आता है सीजीबीएसई पढ़ ले, और इसके अलावा अगर ये दोनों को नहीं पढ़ना चाहते हो तो कॉम्पिटिशन कम्युनिटी पब्लिकेशन की भी बुक आती है, उसे भी आप वेबसाइट से परचेस करके पढ़ सकते हो। इसके अलावा इसे पढ़ने की, एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बस आप प्रैक्टिस करो। क्वेश्चंस जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना फास्ट सॉल्व करने की कोशिश करोगे, आपके लिए उतना बेहतर है। रिसोर्सेस सिर्फ आपको एक उठाना है, ऑथेंटिक, या तो ये पढ़ लें, या तो ये पढ़ लें, या कंपटीशन कम्युनिटी की बुक उठाकर पढ़ सकते हो, ठीक है। यहां पर ये आप लोग बिल्कुल भी मत बोलना कि आप अपना प्रमोशन कर रहे हो, बार बार कॉम्पिटिशन कम्युनिटी की बुक पढ़ने के लिए भी बोल रहे हो। देखो मुझे जिस पर ट्रस्ट है, मैं जिस रिसोर्स पर भरोसा करता हूं, मैं वही बताऊंगा। मैं आप लोगों को कुछ भी गलत नहीं बताने वाला जिस आपको आगे परेशानी हो। मुझे जिस पर ट्रस्ट है, हमारी पब्लिकेशन की बुक पर मुझे भरोसा है, तो इसलिए मैं जरूर बोलूंगा, या तो आप ये पढ़ें, या तो ये पढ़ें, या तो, ठीक। चलिए तो आपका पार्ट वन हो गया जनरल साइंस के लिए, यहां से पढ़ लें। पार्ट टू के लिए क्या क्या पढ़ना है आपको वो भी बता दिया। पार्ट थ्री बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी चीज है। हालांकि उसमें डायनेमिक पार्ट, जो भी पब्लिकेशंस की किताब आती है, वो डायनेमिक पार्ट उसका अपडेट उतनी स्पीड से नहीं होता है जितनी स्पीड से ये चेंजेस होते हैं। एनवायरनमेंट में भी बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होते रहता है, अलग अलग रिपोर्ट आते रहता है, तो जो पब्लिकेशन की किताब आती है वो उतनी स्पीड से अपडेट नहीं हो पाता। और इसके अलावा टेक्नोलॉजी में भी देख लो तो नए नए स्पेस से रिलेटेड या फिर डीआरडीओ से रिलेटेड कुछ ना कुछ इवेंट्स होते रहते हैं, तो उतनी स्पीड से अपडेट नहीं होता। जो पब्लिकेशन की किताब आती है वो उतनी स्पीड से अपडेट नहीं हो पाता।
तो इसके लिए अगर मैं यहां पर बताऊं, पेपर नंबर 3 के लिए साइंस एंड टेक के लिए सिलवन सिंह की किताब आती है, बहुत मोटी किताब है मैक्रो हिल एजुकेशन की। अगर आप साइंस एंड टेक के लिए पढ़ना चाहो तो अगर इस आप किताब को पढ़ते हो तो आपका पूरा कवर हो जाएगा। बस करंट अफेयर से रिलेटेड जो चीजें अपडेट हुई हैं आप उसे अपडेट कर लेना। ये किताब लगभग आपके कितने पेजेस के आते हैं, तो ये पेजेस तो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है लेकिन मानकर चलो लगभग 500 पेजेस की किताब है। ठीक, तो साइंस एंड टेक के लिए सिलवन सिंह की किताब फोर्थ एडिशन है, जो लेटेस्ट एडिशन होगा आप उसे ही परचेस करेंगे साइंस एंड टेक के लिए। एनवायरमेंट के लिए यहाँ पर मैं सजेस्ट करूंगा पर्यावरण प्रदूषण समस्या एवं निदान के लिए, खासकर ये है यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकेडमी की किताब, आप इसे पढ़ सकते हो। लेकिन अगर मेरा सजेशन आप लोग मानो तो साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट के लिए हाँ विस्तृत जानकारी चाहिए, वृहद जानकारी चाहिए, तो इसे जरूर पढ़ें। लेकिन आपके सिलेबस में जो है और जिस हिसाब से आपको एग्जाम क्रैक करना है, तो पार्ट 3 पेपर 4 के लिए आप इन चीजों को ना पढ़ें। और कॉम्पिटिशन कम्युनिटी की जो बुक है, जो वेबसाइट पर अवेलेबल है, वो अपडेटेड रहता है, लेटेस्ट अपडेटेड भी होते रहता है, तो आप उसे पढ़ लें, वो सफिशियंट होगा, आपके सिलेबस से बाहर बिल्कुल नहीं होगा। ये आपके सिलेबस से बाहर भी इसमें कंटेंट होंगे, थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है क्योंकि ये बहुत ही वृहद है, इसमें आपको बहुत सारा एक्सप्लेनेशन मिलेगा। अच्छी किताबें हैं, ऑथेंटिक हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मिलेगा। और आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए जितना चाहें, तो खासकर मैं इस सब्जेक्ट के लिए आपको गाइड करना चाहूँगा या सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप कॉम्पिटिशन कम्युनिटी की तरफ शिफ्ट कर सकते हो, जितना आपका सिलेबस में है उतना। ठीक है, तो पेपर नंबर 4 कंप्लीट। पेपर नंबर 5 की हम बात करते हैं। पेपर नंबर 5 जो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, समझाने के लिए आप लोगों को, पढ़ने के लिए नहीं। खासकर अगर हम इकोनॉमी की बात करें पार्ट 1 में, तो पार्ट 1 में आपका छत्तीसगढ़ का भी इकोनॉमी आ जाता है और इंडियन इकोनॉमी भी आ जाता है। देखिए इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है, डायनेमिक बहुत ज़्यादा है, और इसे समझने में और जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए इसे समझने में लोगों को काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। आप समझ रहे हो मैं किस तरह से बात कर रहा हूँ। इकोनॉमिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पढ़ने के लिए लोगों को काफ़ी मशक्कत करना पड़ता है। अगर हम सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी की बात करें, तो आप इसके लिए क्या पढ़ सकते हो, यहाँ पर 2 किताबें मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा और 2 में से आपको एक चूज करना है, कोई सा भी करो, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन एक चूज करना है। सबसे पहला है रमेश सिंह का इंडियन इकोनॉमी, जो लेटेस्ट एडिशन है, आप उसे ले सकते हो। लेकिन आप इसके जो डायनेमिक पार्ट है उस पर ट्रस्ट ना करके डायनेमिक पार्ट के लिए आप करंट अफेयर्स या फिर इकोनॉमिक सर्वे और बजट पे जाना, इसके डायनेमिक पार्ट पे मत जाना, क्योंकि जितनी स्पीड से डायनेमिक पार्ट अपडेट होता है उतने स्पीड से ये बुक अपडेट नहीं होता। हाँ, लेकिन जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं इकोनॉमी के, उसका जो एक्सप्लेनेशन है इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया गया है। जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, जो एक्सप्लेनेशन होते हैं, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो आपको इस किताब से बेहतर मिलेगा। हिंदी में भी अवेलेबल है, हिंदी में ये है रमेश सिंह की किताब, जो लेटेस्ट एडिशन मार्केट में अवेलेबल होगा वो आप परचेस करेंगे। ये तो हो गई रमेश सिंह की बात। यही आपको अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, टेक्निकल वर्ड्स और जो बेसिक कॉन्सेप्ट या फिर एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए वो आपको मिलेगा इसमें भी, संजीव वर्मा की किताब। रमेश सिंह थोड़ी मोटी किताब है और संजीव वर्मा की जो किताब है वो थोड़ी सी पतली किताब है। ये यूनिक पब्लिकेशन की किताब है और ये जो है रमेश सिंह वो मैक्रो हिल एजुकेशन पब्लिकेशन की किताब है। तो दोनों में से कोई आप एक उठाइएगा। इसका भी इंग्लिश आता है, इसमें भी आपको जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर तरीके से मिलेगा, जो टेक्निकल वर्ड्स हैं वो बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ मिलेगा। बेसिक अंडरस्टैंडिंग और टेक्निकल वर्ड्स मतलब समझ रहे हो ना, जैसे डेफिनेशन हो गया, जीडीपी का डेफिनेशन क्या होना चाहिए, इन्फ्लेशन का डेफिनेशन, मौद्रिक नीति क्या होता है, राजकोषीय नीति क्या होता है, तो ये सब जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं ना इसमें आपको बेहतर तरीके से मिलेगा। ये स्टैटिक पार्ट के लिए आप इंडियन इकोनॉमी के लिए इसमें से आपको ये चूज कर सकते हो। अब यहाँ पर बात आता है कि स्टैटिक पार्ट के अलावा डायनेमिक पार्ट कैसे कवर करें। तो इंडियन इकोनॉमी में डायनेमिक पार्ट, एक तो आप रेगुलर करेंट अफेयर्स अपडेट रहे पहली, दूसरी बात यह कि जो इकोनॉमिक सर्वे आता है इंडिया का और जो बजट आता है, अगर विस्तृत पढ़ने जाओगे तो सीजीपीएससी के लिए वो काम का नहीं है, क्योंकि अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो तो पूरा इकोनॉमिक सर्वे के बारे में जानकारी होना चाहिए, अच्छी तरह से होना चाहिए, अच्छे तरह से होना चाहिए।
और बजट के बारे में भी होना चाहिए। लेकिन सीजीपीएससी के लिए आपको क्या उठाना है, तो उसके जो क्रक्स होते हैं, क्रक्स का मतलब जीडीपी फैक्ट्स, जीडीपी का ट्रेंड किस प्रकार से है, वो इन्फ्लेशन किस प्रकार से है, राजकोषीय नीति क्या है, ये सब सारी चीज़ें जो बेसिक क्रक्स होता है वो इकोनॉमिक सर्वे से आपको उठाना होता है डायनेमिक के लिए। इसके अलावा जो बजट का है, बजट का जो मेन फोकस है, जो मेन क्रक्स है, उस पर इकोनॉमिक सर्वे का भी क्रक्स आता है और बजट का भी क्रक्स आता है, तो वहां से आप उसे डायनेमिक पार्ट कवर कर सकते हो इंडियन इकोनॉमी के लिए। ठीक, समझ गए। अब इसके बाद हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी के अलावा छत्तीसगढ़ इकोनॉमी के। तो छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक्स के लिए आपको क्या पढ़ना होगा, आपका जो 70-80% छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक्स है वो आपका कवर होगा कहां से, जो छत्तीसगढ़ का बजट होता है उससे और इकोनॉमिक सर्वे से। ये आपका 70-80% आपका छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक्स कवर कर देगा, क्या बजट और इकोनॉमिक सर्वे, ये मेंस की बात कर रहा हूं। प्रीलिम्स के लिए आपका ये 100% कवर कर देगा। छत्तीसगढ़ के इकोनॉमिक्स से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बजट से होगा या तो इकोनॉमिक सर्वे से होगा, ठीक है, तो ये 100% यहां से कवर हो जाएगा आपका। और जो बाकी का मेंस के लिए 20-30% जो बच गया, वो आपका कंपटीशन कम्युनिटी की जो पब्लिकेशन की किताब है आप वहां से पढ़ सकते हो, या फिर जो किसी गवर्नमेंट की जो वेबसाइट होता है वहां से आप उन चीजों को उठा सकते हो, छत्तीसगढ़ के इकोनॉमिक्स रिलेटेड वहां मिल जाएगा। बेहतर सजेशन है जो 20-30% बचा है वो आप कॉम्पिटिशन कम्युनिटी की बुक से उठा सकते हो, वेबसाइट पर अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप संजीव वर्मा और रमेश सिंह दोनों को मिला के कॉम्पिटिशन कम्युनिटी की भी बुक बनी है, तो आप उससे भी अगर प्रिपरेशन करते हो तो वही कॉन्सेप्ट मिलेगा, वही चीजें मिलेगी और बेहतर तरीके से सीजीपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगा, तो आप उससे भी कवर कर सकते हो। ये जो बुक बनाई गई है, बुक बहुत अच्छा है, ऑथेंटिक है, लेकिन यूपीएससी लेवल का है। इसमें आपको छत्तीसगढ़ के सिलेबस के बाहर भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर सिर्फ पढ़ना है तो आप कॉम्पिटिशन कम्युनिटी की भी बुक उठा लो, वहां से भी प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक, चलिए, छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक्स हो गया और इंडियन इकोनॉमिक्स भी हो गया। अब हम इसके बाद पार्ट टू पे आते हैं। पार्ट टू में है इंडियन ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी में जो आपको पढ़ना है, सबसे पहले ये है माजिद हुसैन की भारत का भूगोल, कौन सा पब्लिकेशन है, मैक्रो हिल एजुकेशन पब्लिकेशन है। और इसके अलावा माजिद हुसैन के अलावा सविंदर की एक किताब आती है, जैसे माजिद हुसैन का किताब है वैसी सविंदर की किताब आती है, मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो दोनों में से आप किसी एक को उठाएं, आपका कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मैं वही बोलूंगा कि ये जैसे आपका इकोनॉमिक की किताब थी रमेश सिंह की, इसी की तरह यूपीएससी लेवल का ये किताब है, आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग हर चीज इसमें आपका कवर जरूर हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हो तो कॉम्पिटिशन कम्युनिटी की किताब से भी कवर कर सकते हो, लेकिन आपको अच्छा नॉलेज चाहिए, विस्तृत नॉलेज चाहिए, यूपीएससी लेवल का नॉलेज चाहिए ताकि आप और बेहतर कर सके, तो ये पढ़ें माजिद हुसैन की किताब, या तो फिर आप सविंदर की किताब पढ़ लें। खुल्लर की भी किताब आती है, लेकिन वो बहुत ही टफ थोड़ा सा हो सकता है आपके लिए, लेकिन अगर सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल क्लियरिफिकेशन के साथ में पढ़ते हो तो ये बेहतर तरीके से इसमें समझाया गया है हर एक चीज़ को, चाहे फिजिकल ज्योग्राफी हो गया, चाहे आपका ह्यूमन ज्योग्राफी हो गया, या पॉलिटिकल ज्योग्राफी हो गया, ये आपको बेहतर तरीके से समझाएगा। तो इंडियन ज्योग्राफी के लिए या तो सविंदर की किताब उठा लें, या तो माजिद हुसैन की किताब उठा लें, या फिर अगर आपको लगता है कि सिर्फ सीजीपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है तो आप कॉम्पिटिशन कम्युनिटी की भी किताब उठा सकते हो। देखो, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी पार्ट में आप तैयारी कॉम्पिटिशन कम्युनिटी की किताब से कर सकते हो, लेकिन अगर ऑथेंटिक जानकारी चाहिए, अच्छी जानकारी चाहिए, विस्तृत जानकारी चाहिए, यूपीएससी लेवल का जानकारी चाहिए, यूपीएससी लेवल का पढ़ना चाहते हो, तो ये बिल्कुल पढ़ें। ठीक, तो ये हो गया आपका पेपर नंबर 5 का पार्ट 2। पेपर नंबर 5 का पार्ट 3 क्या है, ये है आपका छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी। तो छत्तीसगढ़ के ज्योग्राफी के लिए जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, ये छत्तीसगढ़ का भौगोलिक अध्ययन। इसमें आपको हर टाइप का ज्योग्राफी मिल जाएगा, चाहे ह्यूमन ज्योग्राफी हो, चाहे फिजिकल ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटिकल ज्योग्राफी हो, हर ज्योग्राफी का इसमें कवर किया हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकेडमी की बुक है, ऑथेंटिक है, और डॉक्टर LN वर्मा इसके रचयिता है। तो इस किताब को जरूर पढ़िएगा, मेंस के लिए छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी है, और प्रीलिम्स के लिए अगर पढ़ना है तो इससे भी कवर कर सकते हो। लेकिन कुछ कुछ डेटा जो है वो बदलते रहता है, छत्तीसगढ़ में वनों का जो विस्तार है उसमें भी कभी कभी कोई रिपोर्ट आता है, चेंजेस होते रहते हैं, तो वो आपको अपडेट करना होगा, क्योंकि
जितने स्पीड से ये सारे सारे जो डेटा है वो अपडेट होता है उतने स्पीड से ये किताबें अपडेट नहीं होती हैं। तो करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपको अपडेट करते रहना होगा, लेकिन मेंस के लिए सफिशियंट बुक है। अगर चाहो तो इसमें भी दिया हुआ है, इससे भी पढ़ सकते हो या दोनों को मिक्स करके भी पढ़ सकते हो। ठीक, तो आप सिर्फ इससे अगर चाहोगे छत्तीसगढ़ समग्र से आप मेंस का तैयारी पूरा ज्योग्राफी का कर लो तो वो नहीं होगा, लेकिन इससे हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर इसमें लग रहा है कि आपका कुछ पार्ट छूट रहा है तो इससे कवर कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से आपसे इससे पूरा कवर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ भौगोलिक अध्ययन हिंदी ग्रंथ अकेडमी की बुक है, और जो कुछ अगर आपका सिलेबस के हिसाब से इसमें नहीं दिया हुआ है दोनों किताब में, तो छत्तीसगढ़ जो कॉम्पिटिशन कम्युनिटी पब्लिकेशन की किताब है वहाँ से आप अपडेट कर लीजिएगा, उसमें पूरी तरह से वो अपडेटेड है। तो छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब आते हैं पेपर नंबर 6 पे। पेपर नंबर 6 बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है मेरे लिए, हर किसी का इंटरेस्ट अलग अलग होता है, हो सकता है आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आपके लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है आपके लिए ईजी भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट के लिए ये कॉम्प्लिकेटेड रहा है, क्योंकि पिछले एक साल में जो सबसे ज़्यादा क्वेरीज हमारे पास आए हैं कि पेपर नंबर 6 का प्रिपरेशन कैसे करें, इस पर आया है। तो पेपर नंबर 6 के लिए अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 फिलॉसफी और सोशियोलॉजी की अगर हम बात करें तो आप साहित्य भवन की किताब उठा सकते हैं, अगर आपको ऑथेंटिक रिसोर्स उठाना है तो। ये समाजशास्त्र सोशियोलॉजी का है, और इसी तरह से साहित्य भवन का फिलॉसफी का भी किताब आता है, और ये किताब लगभग आपको यहाँ पर 1150 पेजेस की मिलेगी। इंग्लिश में भी आता है तो उसे भी ले सकते हो। साहित्य भवन की ये सोशियोलॉजी किताब है, इसी तरह फिलॉसफी का भी आता है, इंग्लिश में भी आता है और हिंदी में भी आता है। ठीक, ये 1150 पेजेस की किताब है। आपके सिलेबस में जो दिया हुआ है, जो जो टॉपिक्स दिया है, उन टॉपिक्स को इसमें ढूंढ ढूंढ कर पढ़ सकते हो। देखो, बेहतर एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको, टेक्निकल वर्ड्स को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें ढूंढ ढूंढ कर चीज़ें पढ़ना होगा, क्योंकि 1150 पेज की किताब आप पूरा नहीं पढ़ सकते। तो बेहतर ये होगा कि पेपर नंबर 6 का जो पार्ट 1 पार्ट 2 है सोशियोलॉजी और फिलॉसफी, उसको आप कंपटीशन कम्युनिटी पब्लिकेशन की जो किताब है फर्स्ट मैन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, हमारी वेबसाइट से उसे डाउनलोड करें और उससे पढ़ें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। आपका पेपर नंबर 6 का जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है वहाँ से बेहतर तरीके से तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आप विस्तृत पढ़ना चाहते हो, वृहद पढ़ना चाहते हो, तो आप स्वतंत्र हो, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। ठीक, इससे पढ़ सकते हैं। पेपर नंबर 6 पार्ट 3 क्या है, छत्तीसगढ़ का आर्ट एंड कल्चर, यहाँ से आपका कवर होगा। छत्तीसगढ़ समग्र की जो किताब है, आप इसमें से आर्ट एंड कल्चर जितना भी दिया हुआ है पढ़ लें, सफिशियंट है, यहाँ से आपका पूरा कवर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ समग्र से आर्ट एंड कल्चर पूरा कवर हो जाएगा, क्या ऑथेंटिक रिसोर्स है, आप इसे यहाँ से पढ़ सकते हैं। देखो, जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि अच्छी बातें बताने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और जितनी रिसोर्सेज बता रहा हूँ उतने रिसोर्सेज को आप फॉलो कर लो तो तैयारी बेहतर तरीके से हो जाएगा। बंद कर चलोगे, एक रास्ते में चलोगे, पेपर क्रैक करने में आसानी होगा। हमको दुनिया का ज्ञान से क्या मतलब, अभी तो हमको पेपर क्रैक करना है ना, अभी तो हमको एग्जाम क्रैक करना है ना। जब एग्जाम क्रैक कर लेंगे तो दुनिया भर का जानकारी एकत्रित करने के लिए, पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, अथाह पूरा समंदर है पब्लिक अलग अलग पब्लिकेशंस के, तो सब पढ़ते रहना बाद में। लेकिन एग्जाम क्रैक करने के लिए बंद कर चलना। अब एक रिसोर्स उठा लिया ना, जो मैं बताया, अगर 10 तरह से ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो, अगर आपके दोस्त 4 हैं वो बोल रहे हैं कि नहीं मैं ये पढ़ रहा हूँ, वो बोल रहा है नहीं मैं ये पढ़ रहा हूँ, तो मैक्सिमम लोगों का जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाता है, वो उसके कहने की तरफ चले जाते हैं और 2 रिसोर्सेज 3 रिसोर्सेज उठाते हैं और बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट करके अपने माइंड को पूरा बर्बाद करते हैं, पूरा डिस्टर्ब करते हैं। तो जो बता रहा हूं, जितने ऑप्शन मैंने दिए उसमें से एक रिसोर्स उठाओ, एक किताब उठाओ और उसी को पढ़ो और बार बार रिवीजन करो और उसी से रिटन प्रैक्टिस करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, लेकिन सिर्फ उसी से करो। तो ये स्मार्ट स्टडी का तरीका है, ये बेहतर तरीका है। अब किसी के कहने पे मत जाइएगा, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या पढ़ रहा है, आप अपना जो सेल्फ जो आपका डिटर्मिनेशन है उस पर काम कीजिए। ठीक, तो ये बात पेपर नंबर 6 के लिए है। ठीक, पेपर नंबर 7 ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। पेपर नंबर 6 का जो पार्ट 1 है इसमें बहुत सारे आपको एक्ट्स मिलेंगे, अलग अलग एक्ट्स पढ़ना पड़ेगा,
जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, इसी तरह से इंडियन पेनल कोड के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके अलावा संपत्ति अंतरण अधिनियम भी दिया हुआ है, तो ये सारे एक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे आपको। और एक्ट्स पढ़ने के लिए एक तो आप कर सकते हो, आपके पास में ऑप्शन मैं बता रहा हूँ, आप किस तरफ जाना चाहो जा सकते हो, और आपके पास सिंपल ऑप्शन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर ऑथेंटिक रिसोर्सेज की तरफ जाएं तो बेयर एक्ट की बहुत सारी किताबें आती हैं अलग अलग एक्ट का, जैसे ये है संपत्ति अंतरण अधिनियम, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, ये एक अलग किताब हो गया। इस तरह से आपका जो सिलेबस है उसमें लगभग 20 से 25 एक्ट के बारे में दिया हुआ है, तो इसी तरह से आप 50-50 पेजेस की आपको अलग अलग एक्ट का अलग अलग बुक उठा सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा करना डिफिकल्ट होता है। तो इससे बेहतर मेरा सजेशन ये है कि एक्ट के लिए कंपटीशन कम्युनिटी की जो किताबें हैं, जो नोट्स हैं, जो वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप उसे परचेस करके पढ़ लें। आपको अलग अलग सब्जेक्ट का नहीं मिलेगा, पूरा पैकेज लेना पड़ेगा, तो आप वहां से पढ़ सकते हो, क्योंकि इस तरह से पढ़ना बहुत मुश्किल होगा। और कंपटीशन कम्युनिटी के नोट्स में खास बात ये होगा कि वो अपडेटेड होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक्ट है ना जिसमें अमेंडमेंट हुआ है, इस साल नहीं हुआ है, पिछले साल हुआ, पिछले साल नहीं हुआ, पिछले के पिछले साल हुआ है, तो वो आपको अपडेटेड मिल जाएगा। या तो बेयर एक्ट की अलग अलग एक्ट की ऐसे ऐसे 50-50 पेजेस की किताबें पढ़ लें, ये एक सिर्फ सैंपल है, या तो फिर आप कंपटीशन कम्युनिटी का नोट्स पढ़ लें, वहाँ से आपका पेपर नंबर का पार्ट वन हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ के एक्ट से भी रिलेटेड बहुत कम क्वेश्चंस देखे गए, खासकर स्कीम्स से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो स्कीम्स के लिए कंपटीशन कम्युनिटी का जो करंट अफेयर सीरीज चलता है यूट्यूब पे, आप उसे रेगुलर फॉलो कर लें, उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे में जितने स्कीम्स के बारे में दिए रहते हैं उसके बारे में जानकारी ले लें। ज़्यादा पढ़ना चाहते हो तो अलग अलग डिपार्टमेंटल जो वेबसाइट होते हैं छत्तीसगढ़ के, वहाँ जो स्कीम्स हैं वहाँ से आप पढ़ लो, ये आपको ऑप्शन दे रहा हूँ मैं। कंपटीशन कम्युनिटी का करंट अफेयर्स फॉलो कर लो पूरे साल भर का, मैगजीन फॉलो कर लो, आपका स्कीम्स पूरी तरह से कवर हो जाएगा। अगर ये सिर्फ नहीं करना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि यहाँ से कवर नहीं होगा, हालांकि मुझे ट्रस्ट है कि इससे आपको कवर हो जाएगा, जो प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, लेकिन इससे ज़्यादा पढ़ना चाहते हो तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के जो अलग अलग डिपार्टमेंटल वेबसाइट है वहाँ से चले जाइए, और जो डिपार्टमेंटल स्कीम्स है उसके बारे में पढ़ लीजिए, यहाँ से कवर हो जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे में जितने भी स्कीम्स दिए हैं वहाँ से पढ़ लीजिए, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में आपको ज़्यादा डिटेल ना मिलकर जो लेटेस्ट अपडेट होता है या फिर जो उसमें फंडिंग डाला जाता है उसके बारे में आपको मिलेगा। ठीक, तो ये हो गया स्कीम्स पढ़ने का तरीका, कहाँ से पढ़ सकते हो मैंने आपको बता दिया। और एक्ट्स के बारे में आप छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाके अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हिसाब से जो एक्ट्स दिए हों या फिर जो सीजी गवर्नमेंट के एक्ट हैं, जो वेबसाइट है वहाँ से आप जाके डायरेक्ट वहाँ से भी पढ़ सकते हो। ठीक, हालांकि छत्तीसगढ़ के एक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आए नहीं हैं, जो पिछले 2-3 साल का ट्रेंड है, ज़्यादा छत्तीसगढ़ के इकोनॉमिक्स से ही रिलेटेड आते हैं। ठीक, और जो ये वाला पार्ट है, जो पार्लियामेंट जो द्वारा जो एक्ट पास हुआ है, तो उसके लिए बेयर एक्ट की किताब पढ़ सकते हो, जो 50-50 पेजेस की आते हैं, या तो फिर कंपटीशन कम्युनिटी पब्लिकेशन की किताब पढ़ सकते हो। ठीक, अब आ जाता है पेपर नंबर 7 का पार्ट 2। तो पेपर नंबर 7 पार्ट 2 के लिए इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में वहाँ पर आपको पढ़ना है। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए आप तपन बिस्वाल की किताब पढ़ सकते हैं, ये पब्लिकेशन है आपका मैकमिलन पब्लिकेशन इंडिया लिमिटेड। तपन बिस्वाल की जो किताब है, आपका पूरा सिलेबस तो कवर करता ही है, लेकिन सिलेबस के बाहर भी बहुत विस्तृत जानकारी दिया हुआ है हर एक चीज़ के बारे में, लेकिन ये तपन बिस्वाल की किताब आपको अपडेटेड नहीं मिलेगी। अपडेटेड कहने का मतलब है कि जैसे आप मान लो वर्ल्ड बैंक या फिर यूनाइटेड नेशन के हर साल कोई ना कोई सबमिट होता है, जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो अध्यक्षता है वो अगस्त के महीने में भारत कर रहा है, तो इस तरह से अपडेट आपको तपन बिस्वाल की किताब में नहीं मिलेगा। तो बेहतर है कि आप करंट अफेयर्स फॉलो करें इंटरनेशनल रिलेशन के लिए, और इंटरनेशनल रिलेशन में आपके सिलेबस के हिसाब से जो जो टॉपिक दिया हुआ है उस टॉपिक को नेट से करें, या फिर हमारी जो वेबसाइट पे है वहाँ पर पूरा वो दिया हुआ है, नोट्स दिया हुआ है, आप उससे पढ़ लें और करंट अफेयर को पूरे साल भर अपडेट कर लें, तो वो सफिशियंट होगा। इसको पढ़ने के बजाय मैं सजेस्ट आपको ये करूँगा कि वेबसाइट से पढ़ लें, जो नोट्स दिया हुआ है वो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, और साल भर करंट अफेयर्स अपडेट रहें तो आपका ये पार्ट कवर हो जाएगा, पार्ट 2। ठीक, और पार्ट 3 जो पेपर नंबर 7 का है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में आपको पढ़ना है। तो इंडिया में जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं या उससे रिलेटेड जो रूल एंड रेगुलेशन है, या फिर UGC के बारे में पढ़ना हो या छत्तीसगढ़ एजुकेशंस के बारे में पढ़ना हो, जो भी चीज़ें पढ़ना हो, हर एक टॉपिक को आप सर्च करके अलग से पढ़ें, या फिर जो लोकल पब्लिकेशंस हैं छत्तीसगढ़ की उनकी किताब भी उठा के आप पढ़ सकते हो, लेकिन
बेहतर तरीका उसको पढ़ने का यही है कि हर एक टॉपिक का आप नेट में सर्च करें, इंटरनेट में सर्च करें, वहां से आप बेहतर तरीके से कंटेंट उठा सकते हो, उसमें आपको कोई गलती नहीं मिलेगा। वेबसाइट भी जब सर्च करो तो जो ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं, जो साइट्स हैं, वहां से आप उठाइए, वहां से आपको मिलेगा। ठीक है, अब जैसे मान लो आपको यूजीसी के बारे में पढ़ना था, यूजीसी की वेबसाइट पे चले जाइए, अबाउट अस रहता है यूजीसी के वेबसाइट पे, उसके बारे में सारी चीजें आप पढ़ लें, उसके बाद आपका वो कवर हो जाएगा। आपको आईआईटीज के बारे में पढ़ना है तो आईआईटीज के बारे में आपको बहुत सारी चीजें विकिपीडिया पे भी मिल जाएंगी, आईआईटी के वेबसाइट्स पे भी मिल जाएंगे। इसके अलावा जो एजुकेशन मिनिस्टर की वेबसाइट है वहां से भी आप, मिनिस्ट्री की जो वेबसाइट है वहां से भी आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आप वहां से कवर कर सकते हो, बेहतर है कि आप वहीं से कवर कर लें। ठीक है, चलिए, तो ये पेपर नंबर 7 हो गया। तो इस तरह से सातों पेपर के लिए इतने सारे जो भी रिसोर्सेज मैंने बताए, हर रिसोर्सेज से कोई एक ही चूज कीजिएगा, ये मेरा क्लियर कट मामला है। मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूं कि जो रिसोर्सेज उठाओ एक उठाना, मल्टीपल चॉइस की तरफ मत जाना। और जहां पर आपको मल्टीपल चॉइस की तरफ जाना है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसकी तरफ मल्टीपल चॉइस की तरफ जा सकते हो, खासकर छत्तीसगढ़ जो जनरल स्टडीज है उसमें आपको मल्टीपल चॉइस कहीं कहीं पर जाना पड़ेगा। क्लियर है, अब बात आती है प्रीलिम्स की। तो जितनी चीजें मैंने आपको बताई प्रीलिम्स, यहां से मैक्सिमम आपका 70-80% कवर हो सकता है। अब देखो छत्तीसगढ़ जो आपका है प्रीलिम्स में, जो छत्तीसगढ़ जीएस वाला पार्ट है, 50 क्वेश्चन का जो पार्ट है, उसे आप कहां से कवर कर सकते हो? तो प्रीलिम्स सिर्फ क्रैक करने के लिए जो कंपटीशन कम्युनिटी की बुक आती है उसे आप पढ़ लें, कवर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप ऑथेंटिक सोर्स की तरफ जाना चाहते हैं तो छत्तीसगढ़ समग्र पढ़ लें, यहां से कवर हो जाएगा। ठीक, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कंपटीशन कम्युनिटी का बुक अगर पूरी तरह से आप पढ़ लिए बेहतर तरीके से, तो आप वहां से कवर कर लोगे। और जो इंडिया जीएस वाली बात है वो आपका मैक्सिमम यहीं से कवर हो रहा है, बाकी आप करंट अफेयर अपडेटेड करते चले। एनवायरमेंट से रिलेटेड, पॉलिटी से रिलेटेड जो रिसेंट में अपडेट होते हैं प्रीलिम्स में, मैक्सिमम क्वेश्चंस वहां से आते हैं। साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चलिए, टेस्ट सीरीज कहीं का भी ज्वाइन कीजिए, साथ में क्वेश्चन सॉल्व करते चलिए, आपका प्रीलिम्स का प्रिपरेशन होते चलेगा। मेंस पढ़ते जाओगे, प्रीलिम्स का प्रिपरेशन होते जाएगा। जो अगर आपका प्रीलिम्स के सिलेबस में है, मेंस के सिलेबस में नहीं है, या फिर जो मेंस के सिलेबस में प्रीलिम्स में नहीं है, तो आप वहां अलग से पढ़ सकते हो। बातें समझ में आ रही है? तो इस तरह से आप इन सोर्सेस के आधार पे अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। लास्ट में मैं यही कहूंगा, देखो मार्केट में अलग अलग पब्लिकेशंस की एक सब्जेक्ट्स के बहुत सारे आइटम्स अवेलेबल हैं। जब आप किसी ग्रुप में बैठोगे या फिर जो आपका ग्रुप होगा जो इस तरह का तैयारी कर रहा होगा, अगर आप मान लो कि आप एक किताब पढ़ रहे हो, जैसे ये पूनम दलाल दहिया की किताब पढ़ रहे हो, ठीक, आपके बगल में दोस्त आकर बैठेगा, वो किसी और पब्लिकेशन का किताब पढ़ते रहेगा, तो आपका माइंड वहां पर डाइवर्ट होगा, ये क्या पढ़ रहा है, ये ज्यादा तो नहीं पढ़ रहा है, इससे क्वेश्चंस तो नहीं आ जाएंगे। तो इस तरह के वहम से बचे, जो आप पढ़ रहे हैं मानकर चलो वो बेस्ट है, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। आप इसे पढ़ें और इसे बार बार रिविजन करें, नोट्स बनाएं, रिटन प्रैक्टिस करें, एग्जाम क्रैक होगा। स्मार्ट तरीके से चलें, स्मार्ट वे में चलें, कैसे स्मार्ट स्टडी किया जा सकता है इस पर फोकस करें। तो मेन जो आपका मेहनत है वो यहां होने वाला है, बल्कि इस बात पे मेहनत ना करें कि इस पब्लिकेशन का भी, इस पब्लिकेशन का भी, ये भी पढ़ लेता हूं, वो भी पढ़ लेता हूं, वैसे एग्जाम क्रैक नहीं होगा। बात समझ आ रही है? तो एक दिशा में चलें, आपका तैयारी बेहतर होगा। ठीक, और इसके बाद इस सीरीज का एक वीडियो और आएगा जो हम बात करेंगे स्मार्ट स्टडी पे, कैसे आप बेहतर तरीके से स्मार्ट स्टडी कर सकते हो। ठीक, तो चलिए बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कीजिए, ऑल द बेस्ट। आपको सिलेबस समझा दिया और कौन कौन से पब्लिकेशंस की किस तरह से किताबें पढ़नी है इस बात पे भी हमने डिस्कस कर लिया। अब स्मार्ट स्टडी कैसे किया जाता है उस पर भी डिस्कस कर लेंगे, आप शुरू कीजिए, हम आपके साथ हैं। ठीक, तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।